नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान के अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा था संविधान निर्मात्री सभा, अब हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक स्रोत। संविधान निर्मात्री सभा ने अलग अलग देशों के दौरे किए, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें से कुछ चीजें अपनाई गई। जो चीजें अपनाई गई एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान पर 1935 के शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यह हम ज्यादातर जो संविधान में जो भी अमेंडमेंट किए गए या जो जोड़े गए वो इससे 1935 के शासन अधिनियम को हूबहू अपना लिया गया। ज्यादातर बातों में कुछ चीजें जहां से ली गई उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने हमारी संसदीय प्रणाली ली। क्या ली हमने? संसदीय प्रणाली। दूसरा आता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदन जो है राज्यसभा और लोकसभा, यह व्यवस्था हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यह भी हमने कहां से ली? इंग्लैंड से ली। इसके अलावा आता है एक हरी नागरिकता, यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक हरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, यह हमने किस देश से ली? यह भी हमने ब्रिटेन से ली। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया यह भी हमने ब्रिटेन से ली। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, संसद है वो कहां से ली गई है? संसदीय व्यवस्था वो ब्रिटेन से ली गई है। देखो संसद, संसद में दो सदन है और सदन में जो बहुमत दल है उसका मंत्रिमंडल, और वो यदि है तो सदन क्या करता है? विधि का निर्माण करता है। इन चीजों को ऐसे ध्यान रखोगे। और एक हरी नागरिकता, देश में कोई किसी भी राज्य का व्यक्ति हो उसके लिए नागरिकता भारतीय ही है। तो ये सब किससे लिए गए? ब्रिटेन से। इसके बाद में आता है यूएसए। क्या आता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दोस्तों इसमें मूल अधिकार किस देश से लिए गए? यूएसए से लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। यह महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है कि न्यायाधीशों को यानी उच्च और एवं उच्चतम यानी हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया, यह भी यहीं से ली गई है। इसके अलावा महाभियोग, क्या है दोस्तों? महाभियोग। तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है हमारे? यह भी हमारी यूएसए के संविधान से ली गई है। दोस्तों एक चीज यहां पर यह ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया है। दोस्तों यूएनए के संविधान से, यूएसए के संविधान से और यूएनओ में जो प्रस्तावना में जो एक शब्द लिखा है
हम भारत के लोग, यह भी यहीं से लिया गया। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति का पद और हम भारत के लोग, यानी ये किसकी है? प्रस्तावना की लैंग्वेज है। प्रस्तावना की जो मूल भाषा में ये शब्द है, सिर्फ ये कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। इसके बाद में दोस्तों आता है जर्मनी। जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं, आपात उपबंध 352, 56 और 60 वाला कहां से आ गया? यहां से आ गया। तो आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आता है जापान। दोस्तों ये अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नहीं ज्यादातर इन चीजों के बारे में क्वेश्चन कम आता है जापान का। तो जापान से संबंधित आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह कहां से ली गई है दोस्तों? जापान से ली गई है। इसके बाद में दोस्तों आता है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो आती है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आती है। इसके बाद में आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? यह भी हमारी ली गई है आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जो अपने क्षेत्रों में कला संस्कृति विज्ञान के क्षेत्रों में जो विशिष्ट होते हैं, यह भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। तो ध्यान रखना आयरलैंड से नीति निदेशक, सॉरी भैया नीति में यह नी ये होगी, नीति निदेशक तत्व है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कहां से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा आता है दक्षिणी अफ्रीका। यहां से जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो आती है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है दोस्तों? ये लिए हमने दक्षिणी अफ्रीका से। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक चीज और आती है, कई बार राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन है वो भी यहीं से लिया गया है। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन ये भी कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची। यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। संवर्ती सूची हमने कहां से अपनाई है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है हमारे संविधान में। इसके बाद में आता है दोनों जो सदन है, सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, यह कहां से ली गई है? यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों मैं यहां बात करता हूं रूस की। रूस, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखनी है आपको। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, बाद में आगे के, क्योंकि आपको यह दिखाई नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था,
एक ही नागरिकता विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद में आता है यूएसए, मूल अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, न्यायालय भैया न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, ये यूएसए से लिया गया है। और इसमें देखो प्रस्तावना की भाषा में जो हम भारत के लोग हैं ये भी यूएसए से लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों जो 12 सदस्य उनका मनोनयन, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह भी ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा संवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देगा, रूस। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 51 कैम में जो व्यवस्था की गई है मूल कर्तव्य की, वो रूस से लिए गए, हालांकि मूल संविधान में ये नहीं थे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां से क्या है, जो प्रस्तावना में एक भाषा ली गई है, प्रस्तावना में क्या, सामाजिक, आर्थिक, प्रस्तावना की भाषा है ये, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये जो शब्द है ये रूस से लिया गया है। तो रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय शब्द लिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है कनाडा। क्या आता है दोस्तों? कनाडा। कनाडा में जो एक तो ध्यान रखना, राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति ये कहां से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। इसके अलावा जो अगली चीज आती है वो आती है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां ये भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फ्रांस है यहां से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है दोस्तों। इसके अलावा समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, ये शब्द प्रस्तावना में कहां से लिए गए हैं? किसमें? प्रस्तावना में ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहां से क्या क्या चीजें ली गई है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो चीजें प्रस्तावना की भाषा में, जैसे हम भारत के लोग यूएसए से, प्रस्तावना कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय है, ये शब्द कहां से ली गई है? रूस से। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व शब्द है, फ्रांस से। तो आप लोगों को ये टॉपिक जहां से हर बार अमूमन एक क्वेश्चन जरूर होता है, और यदि ये क्वेश्चन आप इस 5 मिनट या 7 मिनट में यदि सही कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। तो उम्मीद करता हूं ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में आप शेयर कीजिए, जिससे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले और मेरे को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों।